हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करें हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नीट PYQ 2013 से लेकर 2024 तक के। और यहां पर जितने भी क्वेश्चन करें मैं आपको साथ के साथ NCERT भी शो करता रहूंगा, अगर NCERT से क्वेश्चन आया हुआ है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2013 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, यानी डीप सी वाटर में इनमें से क्या चीज़ मिल सकती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंजाई, आची बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं डीप ओशन में, जहाँ पर बहुत सारे अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत कम सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो कौन से है? आर्ची बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। NCERT के पेज नंबर 18 पे जो है वो आप पे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं। न्यूमेटोफोर बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं या फिर बेसल बॉडी बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर है, पेज नंबर 129 पे आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसके आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमेटोफोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी NCERT से आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी आ जाएगा, दैट इज द क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटका स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, यानी फंजाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे लैक ए रिजिड सेल वॉल, दे आर हेटरोट्रोप, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर दे आर फेगोट्रोप। तो यहां पर फंजाई क्या होती है, हेटरोट्रोप्स होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। NCERT के पेज नंबर जो है वो आपका 22 पे देख सकते हो, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया, तो यहां से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ चुके हैं नीट 2014 के अंदर। नीट 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, वायरस है, वायरस में क्या होता है, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम या फिर डीएनए एंड आरएनए बोथ। तो यहां पर जो वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। NCERT के पेज नंबर 26 पर यह चीज मेंशन आप देख सकते हो, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर, यहाँ पे कौन सा जो है वो कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड शो करता है एंड कैप्सोमर शो करता है। पोलियो वायरस, टोबेको मोजेक वायरस, मेसलिस वायरस या फिर रेट्रो वायरस। तो ये जो शो करता है वो कौन सा है, TMV, दैट इज द टोबेको मोजेक वायरस। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। NCERT के पेज नंबर 26 पर यह चीज मेंशन है, आप देख सकते हो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, तो यहां पर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया, सी फैन या फिर सैक्रोमाइसिस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर जो सी फैन जिसको गर्गोनिया बोलते हैं ये एक्चुअल में एनिमल किंगडम का एग्जांपल है, निडेरिया फाइलम का, पेज नंबर 47 पे आप देख सकते हो NCERT में दिया हुआ है। अब आपको पता है कि एनिमल किंगडम के अंदर जो वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है वो चैप्टर नंबर 8 में भी दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में जो टेबल बनी हुई है वहां पर भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन पी आ जाएगा, सी फैन गर्गोनिया के अंदर जो वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेल्यूसिनोजन, यानी कौन सी ऐसी फंजाई है जिसके अंदर हेल्यूसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। मोर्केला इसलेंटा या फिर अमानिया मस्केरिया या फिर न्यूरोस्पेरा या फिर उस्टिलागो। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी है जिसके अंदर हेल्यूसिनोजनिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो होती है आपका एमेनिटा मस्केरिया। एमेनिटा मस्केरिया के अंदर हेल्यूसिनोजनिक प्रॉपर्टी होती है। और ये भी बता देता हूँ कि ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, कुछ है क्वेश्चन है जो NCERT में नहीं दिया हुआ, रिसेंट ईयर के अंदर देखोगे आपको सारे क्वेश्चन NCERT से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो इनसे अलग होता है। एक्चुअल में NCERT के अंदर सेल वॉल लिखा गया कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया के लिए, इसलिए यहाँ पर ये जो है आपका डिफरेंट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NCERT का पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, यानी आर एच विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पर टेबल के नीचे जो लाइन लिखी गई है, देख लिखा गया था मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम कौन, आर एच विटेकर, इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा, इसके आगे क्या लिखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, फिर आगे लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उन्होंने यूज किया था, और इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज किया था। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन्होंने यूज नहीं किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बाकी रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने यूज किया था, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए जो कि यूज नहीं किया था, इसके ऊपर बेस नहीं था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नीट 2015 का, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां पर जो सेल वॉल होती है वो थिन ओवरलैपिंग बनाती है और फिट टुगेदर हो जाती है, डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर, स्लाइमोड्स के अंदर, क्राइसोफाइट्स के अंदर या फिर यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो ये किसके अंदर होता है ऐसा, ये होता है क्राइसोफाइट्स जिसको डायटम्स भी बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। तो इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पे आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया चूज द रोंग स्टेटमेंट, अब हमें यहाँ पे रोंग स्टेटमेंट बतानी है, मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, एंड आगे लिखा है न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो हमें बताना है कि रोंग स्टेटमेंट कौन सी है, एक्चुअल में जो मोरल्स एंड टफल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडिबल एंड डिलीशियस होते हैं, बट इन्होंने क्या लिखा है कि ये पॉइजनस होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हो साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया है, यहां से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सेल वॉल इज एब्सेंट इन, यानी सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में, नोस्टॉक में, एस्परजिलस में या फिर फ्यूनेरिया में। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो होता है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 में आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे वापस पूछा गया है कि पिक अप द रोंग स्टेटमेंट, यानी कौन सी यहां पे रोंग स्टेटमेंट है, सम फंजाई आर एडिबल, सेकंड लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, थर्ड है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ओडी है प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सिंपल सा समझिए, यहाँ पर जो मोनेरा किंगडम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बी आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे टेबल 2.1 में लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक्स में, और किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोला गया सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट, वापिस से हमें रोंग स्टेटमेंट बतानी है। पहला है द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम वाज कॉइंड बाय एम डब्ल्यू बेजरिंग, सेकंड है मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय द वायरसेस, सी है द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवोन्स्की, एंड डी है द डब्ल्यू एम स्टेनले शो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, रोंग स्टेटमेंट बताना है। अब जो वायरॉइड डिस्कवर किए थे वो किसने किए थे, टी ओ डायनियर ने किए थे, टी ओ डायनियर ने 1917 में तो थे वो वायरॉइड डिस्कवर किए थे, और यहाँ पर इन्होंने डीजे इवोन्स्की बता दिया। डीजे इवोन्स्की ने तो जो है वो क्या क्या था, वायरस नेम दिया था जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूड, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 पे ये चीज़ दी गई है वायरॉइड्स के अंदर, आप देख सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हमारे सामने क्वेश्चन है 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी जो न्यूक्लियस है वो किस में एब्सेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस पूछा है यहाँ पर, ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलते हैं जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वोचेरिया के अंदर, वोल्वॉक्स, एनाबेना या फिर म्यूकर के अंदर। तो एनाबेना और नोस्टॉक किसके अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है यहां पर, इसलिए इसके बोल सकते हो कि ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनाबेना।
क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। यहाँ पर ये किसके अंदर आती है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे यार नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है एनाबेन एंड नोस्टेक, और यहाँ पर ये किंगडम मोनेरा के अंदर आती है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, यानी तीनों करेक्ट होने चाहिए। मतलब म्यूकर जो है वो रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन और एग्जांपल होना चाहिए एस्कोमाइसिडिस का। एगेरिगस में बोला कि ये पैरासिटिक फंगस होती है और बेसिडियोमाइसिडिस का एग्जाम्पल है। फाइटोफोरा बोला है कि एसेप्टेट माइसीलियम होता है और ये बेसिडियोमाइसिडिस का एग्जाम्पल है। और डी बोला है कि ये अल्टरनेरिया, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ये ड्यूट्रोमाइसिडिस का एग्जाम्पल है। अब अगर आप, ये कंफ्यूजन होता है इस टाइप का क्वेश्चन कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और अगर एक चीज एनसीईआरटी में दी हुई है तो उस पर आपको ध्यान देना है, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिडिस का एग्जांपल है और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये आपको 100% पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है तो इसका मतलब बाकी चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मेरे को 100% पता है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हो, आपके सामने यहां से ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब हम आ चुके हैं नीट 2016 में फेज वन में जो क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेट एनिमल्स, यानी इनमें से कौन सा जो है वो बायोगैस का जो है वो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है? मिथेनोजन्स, यू बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स या फिर थर्मो एसिडोफाइल्स। तो कौन करते हैं? मिथेनोजन्स करते हैं, जो आपका आची बैक्टीरिया के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 आपके सामने है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा मिथेनोजन्स। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लेजिट एंड स्लाइमवॉर्ट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, यानी ये किस किंगडम के अंदर आते हैं? फंजाई में, एनिमेलिया, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। तो ये किस किंगडम के अंदर आते हैं? ये आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 में किंगडम प्रोटिस्टा में आप देख सकते हो, ये लाइन साफ साफ लिखी गई है, तो यहां से हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वापस से हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो फॉल्स बैक्टीरिया, फाइकोमाइसिडिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइड। तो यहाँ पर हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, नॉट ए फॉल्स बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गई? हमारी गलत स्टेटमेंट हो गई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पे साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई, यानी फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, काइटिन होता है या फिर पेप्टोग्लाइकेन होता है। तो कौन सा होता है? काइटिन होता है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पेज नंबर जो आपका 22 है वहां पर दिया हुआ है, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बायोमोलिक्यूल के अंदर भी ये मेंशन किया गया है, बट यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा इसी चैप्टर से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड, यानी वायरॉइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। पहला दिया गया दे कॉज इन्फेक्शन, द आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, द लेक ए प्रोटीन कोट एंड यहाँ पर लिखा गया दे आर स्मॉलर देन द वायरस। तो यहाँ पर जो आरएनए होता है वायरॉइड्स का वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, बट इन्होंने क्या बोल दिया कि हाई मोलिकुलर वेट का होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 आप देख सकते हो, साफ साफ लिखा गया कि जो आरएनए ऑफ वायरॉइड होता है वो लो मोलिकुलर वेट होता है। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट थी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2016 में जो फेज टू हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, यहां पे हमसे पूछा है कि फंजाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी गई है। दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पोजेस ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर हेटरोट्रोपिक एंड दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर सिंपल अभी अभी बताया था जो फंजाई होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा? यह हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दे आर ऑल फंजाई प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल वाला ये जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 24। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमसे बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है।
यहाँ पर द वॉल ऑफ द डाइएटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, डाइएटमिश अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स, डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, या फिर डाइएटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वॉटर। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पर जो इनकी सेल वॉल होती है वो इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती है, और इन्होंने क्या बोल दिया कि इजिली डिस्ट्रक्टेबल होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि इनकी वॉल जो होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है क्राइसोफाइट्स की। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 20 है, उस पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। मिथेनोजन बिलोंग टू, मिथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, डायनोफिलेज, लार्सिविट, स्लाइमोस। तो ये किसके अंदर आते हैं, आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 में कई बार दिखा चुके हैं, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आ चुके हैं नीट 2017 में, नीट 2017 के क्वेश्चन आपके सामने हैं। Which of the following are found in extreme saline condition, यानी extreme saline condition में कौन मिलता है, आची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर माइकोबैक्टीरिया। तो आची बैक्टीरिया मिलता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एक्सट्रीम यहां पर सेलाइन कंडीशन बोला है, उसमें कौन से होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफिल और मॉस्टी एरियाज के अंदर मिथेनोजेंस होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 अभी अभी बताया था, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। 27 में बोला गया वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस इन, यानी वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से डिफर कैसे होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट या फिर आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। तो डीएनए तो वायरॉइड्स के अंदर होता नहीं है, आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का, वो भी विदाउट प्रोटीन कोट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हो, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है वायरॉइड्स वाले के अंदर से, तो यहां से हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बेसिलस, माइकोप्लाज्मा, स्यूडोमोनास या फिर नोस्टॉक। तो ये सैंपल किसका होता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। डायरेक्टली लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट की गई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 से, आप देख सकते हो आपके सामने, यहाँ से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाता है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हमारे सामने क्वेश्चन है वो है 2018 का, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। वापिस हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स, मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटी, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, एंडी है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द ऑल किंगडम एक्सेप्ट द मोनेरा। तो हम यहां पर क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। अब जो स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स के अंदर नहीं होता है, ये एमोइबॉइड के अंदर होता है। स्पोरोजोन्स तो क्या होते हैं, वो इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है जो कि मलेरिया कोज करता है, बट ये जो स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर होता है वो एमोइबॉइड के अंदर होता है। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 आप देख सकते हो, एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर ये लिखा हुआ है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय द मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, यानी कैरियोगेमी उसके बाद में मियोसिस होती है और उसके बाद में जो स्पोर्स होती है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होती हैं, तो वो किसके अंदर होती हैं, एगेरिकस के अंदर, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा या फिर सैक्रोमाइसिस के अंदर। तो ये होता हमारा बेसिडियोमाइसिडीज के अंदर, और बेसिडियोमाइसिडीज का एग्जांपल है यहाँ पे एगेरिकस, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 आप देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ जो है वो मेंशन किया गया है बेसिडियोमाइसिडीज के अंदर। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर बोला गया है, सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, यानी जो सीलिएट प्रोटोजोन्स होते हैं वो अदर प्रोटोजोन्स से कैसे डिफरेंट होते हैं, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये तो एमोइबॉइड के अंदर होते हैं, हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वॉटक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी नहीं होता है, यूजिंग फ्लेजिला फॉर लोकोमोशन, वो तो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू टाइप ऑफ न्यूक्लिया, ये यहाँ पर एनसीईआरटी में तीनों दिए, तो ये तो यहाँ पे होता नहीं है, तो सीलिएट के अंदर क्या हो जाएगा, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब दो टाइप की न्यूक्लियस होती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो, जो मैक्रो होती है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर सिंपल ये वाली एग्जैक्ट लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई है, बट आपको पता है स्यूडोपोडिया भी पढ़ के आए थे कि एमोइबॉइड के अंदर होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वाला वहां पर जो, और फ्लेजिला वाला जो, वो फ्लेजिला के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी यहां पर। क्लियर है,
ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, यानी चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन कौन है? साइनोबैक्टीरिया है, डायटम है, डायनोफ्लेजिलेट है या फिर यूग्लिनोड्स है? तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, आपके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, जिसको डायटम्स भी बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे साफ साफ लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाता है। चलिए भैया, अब हम आ चुके हैं नीट 2019 में। नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी यहां पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं, क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्जोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हिपी, और आगे बोला गया है मोरल्स एंड टेफल्स आर एडिबल डिलीशियस। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यानी इनकरेक्ट बताना है, तो फंजाई के अंदर ये लाइन साफ साफ लिखी है कि जो ईस्ट होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, तो इस टाइप से लिखा गया कि एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेल्युलर, आगे जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग लाइन होती है, तो ईस्ट के अंदर ये चीज नहीं मिलती है, ईस्ट के अंदर फिलामेंटस बॉडी या फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक हिपी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पे ये साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहां से हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया, वापिस से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वापिस से हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट, प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन और वायरोइड लेके प्रोटीन कोट। तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट जो वायरस के अंदर होता है वो प्रोटीन कोट नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है, नॉट ए प्रोटीन कोट। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो भी दी हुई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 और 26 के ऊपर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 सॉरी, और ये हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन है। तो मैच द कॉलम में सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकन और माइकोराइजा हमें बतानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेप्रोफाइट की, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है डेड ऑर्गेनिक में सेप्रोफाइट, तो फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं, लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। तो पैरासाइट क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं, तो बी जो है वो हमारा चला जाएगा थर्ड के साथ में। लाइकन्स की बात करते हैं, तो लाइकन्स में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई देखने को मिलता है, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। और माइकोराइजा में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो सिंपल है, हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2, 3, 4, 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा सी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। अब ये कहाँ पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पे किंगडम फंजाई के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ से ये सारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लाइगन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, एल्गल कंपोनेंट इन लाइकन इज माइकोबाइट, फंगल कंपोनेंट इज लाइकन इज फाइकोबाइट और लाइकन आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। तो हमसे करेक्ट बताना है, तो लाइकन जो होते हैं वो गुड, यहाँ पर क्या होते हैं, पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते और वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, नोट ये गलत हो गया। एल्गल जो होता है वो फाइकोबाइट होता है, फंगल जो होता है वो माइकोबाइट होता है, इन्होंने उल्टा लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 27 में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ से हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2, हेलोफाइल्स हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन और साइनोबैक्टीरिया। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स और टेस्ट सीरीज के वगैरह के लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए अब आप बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजन दिया गया, तो ये तीनों तो हमारे आची बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स हमें देखने को मिलते हैं साल्टी एरियाज के अंदर, तो ए जो है वो हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में। थर्मो एसिडोफाइल्स ये कहां पे देखने को मिलेंगे हमारे सामने, हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजन्स क्या होते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया हमारा, एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो तीन हमारे निकल कर आ जाएगा, तो ए हमारा ऐसे ही चला जाएगा। तो ए हमारा जा रहा है फोर्थ के साथ में, बी हमारा जा रहा है फर्स्ट के साथ में, सी हमारा जा रहा है थर्ड के साथ में और डी हमारा जा रहा है सेकंड के साथ में। तो इस टाइप का आंसर कौन सा है, इस टाइप का आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 आर्ची बैक्टीरिया वाला जो पैराग्राफ है वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है।
अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड, यानी वायरॉइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, या फिर दे हैव फ्री डीएनए। तो डीएनए तो होता नहीं है, केवल आरएनए होता है, वो भी फ्री विदाउट प्रोटीन कोट। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन टू निकल कर आ जाएगा। और कई बार ये पैराग्राफ दिखा भी चुके हैं, तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, और अब हम जो आ चुका है वो है नीट 2020 फेज टू के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, या फिर दे आर फोटो ऑटोट्रोप। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हेट्रोसिस्ट जो होता है वो लैक होता है, ऐसा नहीं है। इनके पास हेट्रोसिस्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह मदद करते हैं, एनाबेन नोस्टॉक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पे ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमसे पूछा गया है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड सीड सेल। तो ये तो हमने बात की थी हेट्रोसिस्ट में होता है, इनको यहाँ पर डेड वाले में हम बात कर चुके हैं। सेप्रोफाइट एक मेज़दा कॉलम आया था, वहाँ पर ये डेड पे प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं। और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी बोलते हैं, सेल को नहीं बोलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे आप देख सकते हो दिया हुआ है। तो यहां से हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2022 के बारे में। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक और स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये स्लाइम मोड्स प्रोटिस्टा में आते हैं, बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉप नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉप भी देखने को मिल जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड किंगडम मोनेरा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ये हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहीं से हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाता है। 2023 से जो दोनों बार हुआ था उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, 2024 के क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2024 का क्वेश्चन है मैच द कॉलम क्वेश्चन है। पहला तो यहाँ पर बोला गया राइजोपस, स्टिलागो, पिसिनिया और एगेरिका। सबसे पहले बात करते हैं राइजोपस, तो राइजोपस हमारा जो है वो ब्रेड मोड के अंदर आ जाता है, तो हमारा ए जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। अस्टिलागो जो है वो हमारा जो है वो स्मट फंजाई उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी जो वो सेकंड के साथ चला जाएगा। पसीनिया को बोलते हैं रस्ट फंजाई, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। और एगेरिकस जो होता है उसको मशरूम बोलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास में आना चाहिए 3, 2 फिर 4 और 1, 3, 2, 4, 1, तो 3, 2, 4, 1 हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन ए। यहाँ से आप देख सकते हो वापस से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर 3, 2, 4, 1 निकल कर आएगा। अब हमारा राइजोपस वाला वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और बाकी जो वो तीनों के तीनों बेसिडियोमाइसीटिस के एग्जांपल है, ये भी आप देख सकते हो कि बेसिडियोमाइसीटिस में पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, यहां से हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन में। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, या फिर फ्रूटिंग बॉडी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 23 यहां पर दिया हुआ है कि किंगडम फंजाई को क्लासिफिकेशन करने के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, वो जनरली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, तो वो तो आना ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन टू आ जाएगा एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो। इतना ही था, बाय।